नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विंटर का सीजन आ चुका है और हमारे होंठ भी पटना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिप्स केयर के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हमारे होंठ जब भी फटना शुरू होते हैं तो हम बाहर के प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो कि आपके होंठों को तो थोड़ी दिनों के लिए सही कर देते हैं पर आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे जाते हैं, जैसे कि आपके होंठों को डार्क कर देते हैं, मतलब कि काला बना देते हैं, और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं आपके लिप्स के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप घर में ही लगा सकते हैं अपने होंठों पर और अपने होंठों को फटने से भी रोक सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप अपने लिप्स को पिंक भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स मिलती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। दोस्तों जैसे ही विंटर शुरू होता है और हमारे होंठ फटना शुरू होते हैं तो हम पेट्रोलियम जेली लाना यूज़ कर देते हैं, पेट्रोलियम वैसलीन और भी कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे होंठ तो सही हो जाते हैं पर वह ब्लैकिश पड़ जाते हैं, डार्कन पड़ जाते हैं, और इसी के साथ साथ आपके लिप्स का जो नेचुरल पिंक कलर था वो भी चला जाता है। तो दोस्तों चलिए हम ऐसी तीन चीज़ों की बात करते हैं जो आपके घर में ही मिल जाते हैं, जो कि प्योर नेचुरल हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने क्रैक लिप्स भी सही कर सकते हैं और इसी के साथ साथ उनको गुलाबी बना सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम एक ऐसा प्रोडक्ट देखेंगे जो प्योर हर्बल है और पूरी तरीके से नेचुरल बनाया गया है, जिसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप दूध की मलाई को यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में दूध आता है तो उस ताजे दूध की मलाई को आप अपने होंठों पर लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मलाई में बहुत ज़्यादा फैट होता है तो वह आपके होंठों को मॉइस्चराइज करके रखता है, और आप इसको 10-15 मिनट के बाद धो भी लेते हैं तब भी आपके होंठ मॉइस्चराइज रहते हैं, इसी के साथ साथ वह फटते भी नहीं और गुलाबी भी बने रहते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वह नाभि पर तेल लगाना। दोस्तों अगर हम नाभि पर रेगुलर तेल लगाते हैं तो इससे हमारे बॉडी को मॉइस्चराइजेशन मिलता है और आपके होंठ कभी भी नहीं फटते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वह होता है घी। अगर आप देसी गाय का घी या फिर किसी भी तरह का घी अगर आप अपने होंठों पर लगाकर सो जाते हैं और इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो आपके कैसे भी फटे हुए होंठों वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। दोस्तों यह तो हुई नेचुरल चीज़ों की बात, पर दोस्तों अगर आपको इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम दिखती है कि हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ बताइए, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो अराता कंपनी की वैसलीन बहुत ही अच्छी आती है जो कि पूरी तरीके से हर्बल है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। यह आपको 295 के आसपास पड़ेगी, पर यह प्योर नेचुरल है और बहुत ही अच्छी लिप्स पर लगाने के लिए वैसलीन बनाई गई है अराता कंपनी के द्वारा। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने होंठों को हमेशा स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पसंद आया तो आप चैनल को पूरा विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी डेली हेल्थ टिप प्रोडक्ट रिव्यूज़ मिलते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत माता।